पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी 400 पार के मिशन में जुटे हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में पीएम मोदी कहां कहां प्रचार करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता से बीजेपी और एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी के 14 से 17 अप्रैल तक के चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को ही करीब 4 बजे कर्नाटक के मैसूर में रैली करेंगे। शाम 6 बजे मंगलुरु में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी कोची में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 अप्रैल को 11 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम में पीएम रैली करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे तिरुवेली में जनसभा करेंगे। 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे बिहार के गया में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया में रैली करेंगे। पूर्णिया के बाद पीएम बंगाल जाएंगे। दोपहर 2 बजे बंगाल के बलूरघाट पब्लिक मीटिंग करेंगे। शाम 4 बजे रायगंज में जनसभा करेंगे। रात में गुवाहाटी में रुकेंगे। 17 अप्रैल को असम के नलबाड़ी में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे अगरतला में रैली को संबोधित करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश में रैली की। ऋषिकेश से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, सुनिए। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह। इधर राजस्थान के रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं 14 अप्रैल को जालौर में प्रियंका गांधी एक रैली को संबोधित करने वाली हैं। जालौर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उम्मीदवार हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए राजस्थान में गांधी परिवार ने मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस बार भी वो सभी सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए जोर शोर से जुटी है। लेकिन कांग्रेस इसमें सेंध मारने की फिराक में है। राहुल प्रियंका की रैली के जरिए पार्टी यही संदेश देने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे राजस्थान के फलौदी में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। अनूपगढ़ और फलौदी की जनसभाओं के जरिए राहुल गांधी श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली लोकसभा सीट के वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल के बाद प्रियंका गांधी अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को जालौर में बड़ी रैली करने जा रही हैं। कांग्रेस ने जालौर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया। प्रियंका की रैली के वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही मंच पर होंगे। इस तरह से पार्टी 14 अप्रैल की रैली के जरिए राज्य इकाई में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश करेगी। 2019 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। और सिक्किम विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में सिक्किम के लिए कई बड़े वादे किए। बीजेपी ने मैनिफेस्टो पर दिए शीर्षक में मोदी की गारंटी विकसित भारत, विकसित सिक्किम लिखा है। साथ ही बीजेपी ने राज्य के मतदाताओं से सिक्किम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। इसके अलावा बीजेपी ने सरकार बनने पर आईआईएम की स्थापना का वादा भी किया, युवाओं को सशक्त बनाना, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल प्रबंधन संस्थान बनाने की भी बात कही है। आज का सिक्किम आपके ध्यान में आया होगा कि लास्ट माइल डिलीवरी को भी इंश्योर किया है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी काम कर रहा है। इसको भी आपको देखा होगा, सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला। और उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मेघालय गॉट दी नेटवर्क ऑफ रेलवे स्टेशंस आफ्टर 67 ईयर्स, एंड फॉर दैट डिसाइसिवनेस, डोरस्टेप डिलीवरी एंड डेवलपमेंट, इसको आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्ट लक्ष्मी कहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मलूक नागर ने आज बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने किस पार्टी का दामन थामा, देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। मलूक नागर बीएसपी से इस्तीफा देकर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी, तीनों मिलकर लड़ रहे थे जब मैं एमपी बना। अब सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीएसपी का दामन क्यों छोड़ दिया। दरअसल मलूक नागर बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीएसपी ने उनकी टिकट काट दी। उनकी नाराजगी की वजह यही मानी जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े, देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाया था। मलूक ने यहाँ बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया। चुनाव के वक्त नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह का वादा जरा हटकर है। उनका बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है उनका वादा, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारणा ने बीजेपी के 2047 तक देश को विकसित बनाने के वादे के नाम पर वोट मांगने पर कहा कि इस तरह योजना मेरे पास भी है जो इनसे अच्छी है। मुसलमानों ने भी है, एक में दो फ्री है, अटू ले और चांद तक बनाऊंगा, चांद माते जा और एडो काम करूंगा कि तुमने सीधा भगवान श्री राम मिलेगा और भगवान श्री राम मिलते ही मुसलमान और अल्लाह मिल जाला है, वो ना पापर भगवान मिल जाला अपने सुभाष जी बताइयो ना जो मुझे मिल जाए उठे और पच्चे मैं थोड़ा उठू सीढ़ियो पाची नीचे उतरूंगा और बे सीढ़ियो नीचे उतर जाला। करण सिंह यही नहीं रुके, कांग्रेस उम्मीदवार ने यह भी कहा कि इसके लिए 30 साल का समय लगेगा, तब तक मुझे वोट देना होगा। मुसलमानों ने भी है। करण सिंह का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जोधपुर में कांग्रेस के सामने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चुनौती है।